बात होगी खुल गई पाठशाला की। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर थमा नहीं है और देश में हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि भी हो रही है। इस बीच देश के कई हिस्सों में कई महीने से बंद स्कूल आज से खुलने शुरू हो गए हैं। इस दौरान स्कूलों को कोरोना वायरस से जुड़ी गाइडलाइनों का पालन भी करना होगा। कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद से अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। और आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के स्कूल खोले जाने को अनुमति दे दी है, जिसके चलते 15 राज्यों में, आपको ये बता दें कि कई राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया था, तो वहीं कई राज्य आज से यानी कि 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं। देश में आज से यूपी, पंजाब और सिक्किम जैसे राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, तो वहीं स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों ने भी गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसका पालन कोरोना संकट के बीच किया जाना होगा। आज से पंजाब में, आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया गया है। और ग्राउंड जीरो को समझने की कोशिश करेंगे। विनीत कपूर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत, तमाम नियमों और कानून का हवाला और कोविड-19 के बीच अब पाठशाला शुरू होती नजर आ रही है, ऐसे में किस तरह की तैयारी? बिल्कुल सुनील, देखिए सीधे तौर पर तैयारियों की बात करें तो पंजाब सरकार ने हालांकि 15 तारीख को स्कूल खोलने का आदेश जो है वो जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूलों को सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया कि पहले स्कूल सैनिटाइज होंगे, पूरा मैकेनिज्म सेट किया जाएगा, उसके बाद स्कूलों को खोला जाएगा ताकि बच्चे अगर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो पूरी तरह से सेफ हों, सिक्योर हों। तो अब सारी क्लासेस जो है उनको लिया गया है, उनकी सैनिटाइजेशन हो चुकी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का स्कूलों के अंदर किस तरह से पालन करना है उसकी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। साथ साथ अगर हम SOP की बात करें, जो केंद्र की तरफ से SOP जारी हुई है, उनका किस तरह से पालन करना है, ये सारे को ध्यान में रखते हुए आज पंजाब के अंदर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे, जिसमें बच्चे स्कूलों में आकर शिक्षा ग्रहण करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि किसी भी तरह की जो अटेंडेंस है उसकी कंडीशन फिलहाल नहीं रहेगी। अगर बच्चा स्कूल आना चाहता है तो वो अपने माता पिता की अनुमति के बाद ही स्कूल में आ सकता है। माता पिता अगर अनुमति नहीं देते तो फिर बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, और स्कूलों के लिए भी लाजमी नहीं है कि वो बच्चों पर जो अटेंडेंस है उसको कंपल्सरी करते हुए नजर आए। यानी पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, स्कूल आना को लाजमी नहीं है बच्चों के लिए। जिन पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल सुरक्षित है, बच्चे स्कूल में जाके शिक्षा सुरक्षित ढंग से ग्रहण कर सकते हैं, वो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजकर शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। जी विनीत, देखिए कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि जहां पर जिम्मेदारी से सीधे तौर पर सरकारें भी बचती नजर आ रही हैं और ऐसे हवाले दिए जा रहे हैं कि शिक्षकों पर ही ये जिम्मेदारी थोप दी जा रही है कि शिक्षक ही बच्चे का ध्यान रखेंगे, हर तरह की व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में शिक्षक भी असमंजस की स्थिति में है। तमाम जो शिक्षक संगठन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को चाहे वो कोरोना जांच का हवाला हो कि बच्चों की कोविड की जांच कराई जानी चाहिए, उसके बाद बच्चों की जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए उसके बाद उन्हें अंदर आना चाहिए। क्या पंजाब में ऐसी स्थिति है? क्या ऐसी कोई शिक्षक संगठनों के द्वारा बात कही गई, कोई मांग उठाई गई? देखिए पंजाब की अगर बात करें तो लगातार पंजाब के अंदर जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है उसको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाते नजर आ रहे थे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। अब जिस तरह से पंजाब सरकार ने संस्थान खोलने का फैसला लिया है, शिक्षण संस्थान 9वीं कक्षा से 12वीं तक खोलने का जो फैसला लिया, उसमें अब अध्यापक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को अध्यापकों की सुरक्षा को लेकर भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के अंदर अध्यापक की होगी। तो ऐसे में अध्यापक अगर स्वस्थ होगा तो वो बच्चों को स्वस्थ शिक्षा भी प्रदान कर सकता है और सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की मांगे उठती हुई नजर आती है। लेकिन कोविड टेस्ट की मांग की बात करें तो वही यहाँ पर अध्यापक उठाते नजर नहीं आ रहे कि बच्चों का कोविड टेस्ट कराया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, किस तरह से बच्चों को कोरोना की इस महामारी के दौरान शिक्षा भी दी जा सके और बचाया भी जा सके। तो ये एक बड़ा आज रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है, और इसी को लेकर आज जिस तरह से स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तो वहां देखने वाली बात रहेगी किस तरह का माहौल देखने को मिलता है और कितनी बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी हाँ, तो खुल गई पाठशाला, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन तमाम नियमों और कानून के बीच ऐसे में शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, तमाम राज्य सरकारों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। नौनिहालों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे उनके भविष्य को संवारा जाए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।